हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जसकेतन है। मैं ओडिशा से हूँ। मैं टिस में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी मेरा एमफिल चल रहा है यहाँ पे। मैं पहले भी यहाँ से मास्टर्स का भी कोर्स किया था टिस हैदराबाद से, वहाँ पे मैं एमए एजुकेशन किया था। इसके लिए हम लोगों को जो हम लोग एमए करते हैं उसके लिए थोड़ा एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आपको पहले इसके बारे में जानकारी पहले वेबसाइट में मिलते हैं। वेबसाइट में मिलने के बाद आपको एक डेडलाइन मिलता है, उसी टाइम के अंदर आपको एप्लीकेशन को पूरा फिलअप करके जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसके डॉक्यूमेंट्स को तैयारी करके आपको उसी के साइड टाइम पे उसको अटैचमेंट करके भी उसको भेजा जाता है। इसीलिए आपको क्या करना जरूरी है, आपको पहले साइट में जाके सारे रूल्स रेगुलेशंस जो चीज़ें मैंडेटरी हैं उसको तैयार करके आपको पहले रखना चाहिए। पहले क्या है कि आपका अगर रिजर्व कैटेगरी में हो आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और आपको पूरा एप्लीकेशन फिलअप करके उसके दायरे में जॉब को चाहता है उसको फिलअप करके आपको सही मायने में आपको फोटो भी चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, उसको अप्रोप्रिएट जो भी जगह पे आपको दिया जाए कि लिंक उसी में से सेंड करके आपको भेजना है। ज़्यादातर ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको फोटो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए जितने फोटोज हैं, और सारे जो भी हैं आपको वहाँ पे मिल जाता है कि वो JPG में भी हो सकता है, नहीं तो PDF में भी उसको कन्वर्ट करके आप भेज सकते हैं, लेकिन जो भी आपको मैंडेटरी होगा उसी के हिसाब से आपको भेजना पड़ेगा। और जो एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स का ये 3-tier प्रोसीजर है टिस में एंट्री होने के लिए। आपको पहले जो TISSNET होता है, TISSNET 100 marks का होता है, 100 marks के लिए आपको थोड़ा प्रिपरेशन करना पहले से जरूरी है क्योंकि उसमें एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आता है और जनरल अवेयरनेस आता है, कुछ कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और इंग्लिश आते हैं। उसके हिसाब से आपको देखा जाए तो लगभग आपको 70% जो है आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड इंग्लिश से आते हैं और 30% क्वेश्चन आपको GK से आते हैं। और GK जो भी होता है वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी और जनरल अवेयरनेस जो सोशल इशूज हैं उसी से रिलेटेड जितने सारी चीज़ें हैं आपको उसी के हिसाब से जो मैगजीन वगैरह मिलता है उसी के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। और एप्टीट्यूड रीजनिंग में आपको अगर मार्क्स लाना है, जो लोग थोड़ा मैथमेटिक्स उनको आता है उसको आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, इतना हार्ड भी नहीं आता है क्वेश्चन, इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर सॉल्व करना है, इसीलिए क्वेश्चन इतना टफ भी नहीं रहता है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। और इंग्लिश थोड़ा सा तो ये TISSNET का एग्जाम है क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसलिए थोड़ा इंग्लिश के ऊपर आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। बहुत सारे चीज़ें आते हैं जैसे कि आप बैंकिंग प्रिपरेशन करते हो और जो भी SSC वगैरह प्रिपरेशन करते हो, अगर आप किए हो तो उसके लिए आपको थोड़ा आसान हो जाएगी, नहीं तो आपको थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। और जितने भी रिजर्व कैटेगरी के लोग हो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा ध्यान देना जरूरी है क्योंकि आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो आप जनरल कैटेगरी में भी एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए आपको इन चीज़ों को ध्यान देना जरूरी है। और आफ्टर जब आपका एग्जाम खत्म हो आपको देखना चाहिए कि आपको कैसे मार्क्स आएंगे, वो TISSNET का जो रिजल्ट निकलेगा उसके बाद अगर आप सिलेक्टेड लिस्ट में हो तो फिर आपको फिर से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पे इंटरव्यू से पहले आपको एक PIT देना पड़ता है, प्री इंटरव्यू टेस्ट, ये MA के लिए मैं बोल रहा हूँ। प्री इंटरव्यू टेस्ट में आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है, उसमें हो सकता है मल्टीपल क्वेश्चन हो, नहीं तो 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं, उसको आपको लिखना है। और PIT में आपको 50 मार्क्स का वो क्वेश्चन आते हैं और इंटरव्यू आपका 70 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा तैयारी करना जरूरी है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो PIT में लिखते हो आपको थोड़ा कंटेंट बेस सबको देखना चाहिए। आपको अगर आप वर्नाकुलर बैकग्राउंड से हो, आपको इतना लैंग्वेज की जानकारी नहीं है हिंदी की तो सॉरी इंग्लिश की, तो आप थोड़ा सा जो कंटेंट है आपको ठीक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके लिख सकते हैं तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं उसमें, क्योंकि यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज्यादातर दिखाया नहीं जाता है क्योंकि आप लोगों का ये कि एंट्री लेवल का सिचुएशन है, बाद में आप धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे, इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे कॉन्टेंट को कैसे आपको ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करके लिखें ताकि फैकल्टी लोग देखें और उसको सही तरीके से समझ में आए, और आपको थोड़ा सा उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। और PI में आपको क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू है ये, क्योंकि अगर आप सिलेक्टेड होते हो प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होता है जो 100 मार्क्स का उसमें अगर ये होता है तो ये दोनों प्रोसीजर आपका मैंडेटरी है। इसमें कोई बीच में से आपको अगर तुम्हें रिटर्न दिया और
इंटरव्यू नहीं दिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको होना चाहिए कि दोनों चीजें एक साथ देना है, तीनों को मिला के जो स्कोर आएगा उसके हिसाब से आउट ऑफ 100 वो एक कैलकुलेशन उन लोगों का प्रोसीजर है, वो वेबसाइट में भी लिखा रहता है कैसे कैसे आपको बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन होता है, बहुत सारी चीजें हैं उसके हिसाब से आपको एक फाइनली जो कट ऑफ स्कोर आता है, अगर कट ऑफ स्कोर में आप आते हो तो आपको सिलेक्टेड लिस्ट में वो आपको हो जाता है, आप सिलेक्ट हो जाते हो। जैसे कि देखो इसके लिए थोड़ा प्रिपेरेशन करना तो जरूरी है, लेकिन अगर एचआर के लिए थोड़ा प्रिपेयर कर रहे हो, एचआर का जो हम लोग का आईआईएम लेवल का है, जो आईआईएम लेवल का जितने भी इंस्टीट्यूट है उसी के हिसाब से हम लोगों का एचआर भी बहुत बड़ा सबसे हाईली रेपुटेड माना जाता है। और क्योंकि ये माना जाता है क्योंकि ये इसका फी स्ट्रक्चर भी सबसे कम होता है इफ यू कंपेयर टू द अदर आईआईएम्स। सो इसीलिए अगर एचआर के लिए आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको थोड़ा, क्योंकि एचआर का सबसे कट ऑफ सबसे हाई जाता है, इसके लिए थोड़ा आपको ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। वैसे भी हम लोग का बहुत सारे कोर्सेस है, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट है और वेरियस कोर्सेस अराउंड द 4 कैंपसेस हैं अभी, टिस हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है और क्या, और टिस तुलजापुर में है, तुलजापुर और टिस मुंबई, ये दोनों महाराष्ट्र में है और एक हैदराबाद एक गुवाहाटी, तो और वेरियस सेंटर्स भी हैं। आप वहां पे भी कहीं पे साइकोलॉजी का कोर्स है और कहीं पे और रिसर्च के लिए है, बहुत सारे वेरियस वेरियस सेंटर्स भी हैं, आप वहां पे भी जाकर कर सकते हैं। वो भी आपको देखना पड़ेगा, अगर आप जब एप्लीकेशन के लिए आप भर रहे हो फॉर्म, आपको सभी ऑप्शंस पे अच्छी तरीके से जाना चाहिए ताकि आप जान सके कि क्या क्या कोर्स है वहां पे, नहीं तो आपको बहुत सारी चीजें छूट जाएगा। जैसे कि आप डेवलपमेंट स्टडीज के अंडर वुमेन स्टडीज भी आता है, किसी किसी लोगों को पता नहीं रहता कि वुमेन स्टडीज कहाँ पे आता है, और क्योंकि ये सारे, क्योंकि मास्टर्स लेवल पे थोड़ा अलग अलग दिखता है, लेकिन आप अगर एमफिल और पीएचडी के लिए जाते हो डायरेक्टली तो आपको दिखाया जाता है कि डेवलपमेंट स्टडीज के अंदर वुमेन स्टडीज होता है, अगर आप वो क्लिक नहीं करते हो तो आपको वुमेन स्टडीज दिखाई नहीं देगा। बहुत लोगों को ये परेशानी होती है कि कैसे, आपको बहुत सारी चीजों को ढूंढने में भी परेशानी होती है, इसलिए थोड़ा अगर आप पहले जब फॉर्म फिलअप करने के लिए जाते हो सारे इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वेबसाइट में जाके प्रॉपरली चेक कीजिए। अगर तुम अगर जो इंटरनेट फ्रेंडली नहीं हो कि वेबसाइट से तुम्हें कोई दिक्कतें हैं तो कोई जानता है उसको थोड़ा सहायता भी लेना चाहिए, तो ये थोड़ा प्रॉपरली प्रोसीजर करने से आपको भी पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, टिसनेट जो होता है हम लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो टिसनेट ऑनलाइन टेस्ट होने के बावजूद आपको थोड़ा कंप्यूटर के ऊपर भी जानना जरूरी है। अगर तुम्हारे दोस्त, तुम अगर कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हो तो तुम्हारे दोस्त को भी आप थोड़ा सा हेल्प मांग सकते हो कि कैसे कैसे हम इसको करें। और कंप्यूटर स्क्रीन में सारे जो आते हैं, जो टोटल क्वेश्चन पेपर वैसे लिखा आता है, उसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, वो भी आपको इंस्ट्रक्शन में सब कुछ दिखाया दिया जाएगा, और टिस वेबसाइट में भी सब कुछ अवेलेबल है, और टिस वेबसाइट है जो admissions.tiss.edu में ये सारी चीजें अवेलेबल है, और उसका मेन वेबसाइट है www.tiss.edu में भी ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। आप आराम से बहुत सारी चीजें देख सकते हैं और ये रेफर की तौर पे ले सकते हैं, और इसको आप इसके हिसाब से जितने स्टेप्स बताए गए हैं ये सारे स्टेप्स वहां पे आपको, मैं जो बोल रहा हूँ उससे ज्यादा भी बहुत सारे अच्छी तरीके से डिफाइन करके वहां पे दिया गया है। और ये था हम लोग का जो मास्टर लेवल का एडमिशन प्रोसीजर। और अभी मैं यहाँ पे एमफिल कर रहा हूँ, इसका मतलब एमफिल का प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट नाम का और एक दूसरा टेस्ट होता है। अगर आपके पास जेआरएफ भी हो और नेट जेआरएफ दोनों हो तो भी आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज होते हैं जहाँ पे कि आपको नेट और जेआरएफ होने से डायरेक्ट जो रिटन एग्जाम नहीं होता है, फिर आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए वो बुला लेते हैं, उसके हिसाब से आपको चुनते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टिस का अलग सा एग्जाम होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट। वहां पे आपको वहां पे भी डिफाइन किया गया है कि वो क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे अकॉर्डिंग टू योर, जो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसी के हिसाब से। वो भी आप ये कर सकते हैं कि आप दो स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम दो स्कूल, और एमए में आपका ध्यान दीजिए आप तीन स्कूल में कर सकते हैं लेकिन दो सेंटर में। और एमफिल के लिए, एमफिल और पीएचडी के लिए एक स्कूल में भी दो कर सकते हैं, आउट ऑफ अक्रॉस टू कैंपसेस यू कैन टेक टू एप्लीकेशन, वैसा होता है। और उसके बाद जो मैं बोला था कि हाँ एमफिल के बारे में, एमफिल में वही आपको सेम प्रोसीजर है कि आपको पहले जो भी एप्लीकेशन में वही आपको चीजें देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एमफिल के लिए आप जिस टाइम पे आप
कर रहे हो कि एप्लीकेशन के लिए जो डाल रहे हो उसमें आपको आपका जो प्रपोजल भी रहना जरूरी है, आप किस फील्ड पे आप जाना चाहते हो उसके लिए एक प्रपोजल भी आपको लिख के वहां पे सबमिशन करना जरूरी है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही वो लोग लेते हैं। जैसे कि एमए में आपका था इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी एक्सेप्ट जनरल कैटेगरी स्टूडेंट होते हैं उसी तरह ही सारे चीजें आपको बनाना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा एक चीज है जो कि है रिसर्च प्रपोजल, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं होता है। और प्रोसीजर एक है कि यहाँ पे कि आप पहले रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं, उसके बाद आपको अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपका नाम आता है, फिर रिजल्ट निकलता है, फिर नाम आता है, उसके बाद आपको फिर से बुलाया जाता है फिर से पर्सनल इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे और दोबारा रिटेन नहीं होता, एक ही रिटेन वो काफी है इसके लिए। तो इसी तरीके से हम लोगों का ये सारे चीजें यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने भी इंटरव्यू जो प्रोसेस है, आपको भी जिस टाइम आप इंटरव्यू के लिए फेस कर रहे हो आप नर्वस ना होइए। अगर आपको इंग्लिश में डिफिकल्टी है तो आप हिंदी में भी सब कुछ चीजें आप आसानी से जो भी पूछ रहे हैं उसको सवाल का जवाब दे सकते हो। इसमें कोई हम लोग का दोहरा ही नहीं है कि आप हिंदी में बोल रहे हैं मतलब आप सिलेक्शन नहीं होंगे। ये दिमाग में कभी मत रखना कि हम वर्नाकुलर मीडियम से, इसका मतलब हम लोगों को सिलेक्शन कैटेगरी में हम लोग नहीं आएंगे। और एक चीज है कि आपको इंग्लिश और हिंदी ये दोनों मीडियम में ही आपका यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होगा। तो इसी के लिए आपको अगर हिंदी और इंग्लिश मालूम नहीं है तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है, इसीलिए आपको थोड़ा कोई भी इन दोनों लैंग्वेज में से कुछ भी लैंग्वेज आपको जानना जरूरी है। तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए। Thank you.